जानवी कपूर और राजकुमार स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही को लग गई है किसी की नजर। इस फिल्म की रिलीज डेट को फिर से किया जा रहा है पुश। आखिर मेकर्स रिलीज के कुछ दिन पहले इस मच टॉक्ड अबाउट क्रिकेटिंग ड्रामा फिल्म को क्यों कर रहे हैं पुश? राजकुमार राव और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर एक्साइटमेंट का लेवल ऑलरेडी स्काई हाई है, क्योंकि इसमें जानवी एक फीमेल क्रिकेटर का रोल निभा रही हैं और उन्होंने इस रोल के लिए कड़ी मेहनत की है। यहां तक कि उनको एस क्रिकेटर ब्रॉडकास्टर दिनेश कार्तिक के साथ ट्रेनिंग लेते हुए भी देखा गया था। और अब इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। वेल, करण जौहर ने पिछले साल नवंबर में इंस्टाग्राम पर अनाउंस की थी मिस्टर एंड मिसेस माही 19 अप्रैल को हम सबसे मुलाकात करेंगी। लेकिन इस फिल्म की रिलीज में ट्विस्ट्स और टर्न्स की कोई कमी नहीं है। पहले ये फिल्म 15 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर मेकर्स ने डिसाइड किया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा को इस डेट पर रिलीज करेंगे और मिस्टर एंड मिसेस माही को एक महीने के लिए पोस्टपोन कर देंगे। पर क्या आपको पता है, फिल्म को शायद एक और डिले का सामना करना पड़ेगा। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी वजह क्या है। वेल, इस बार मिस्टर एंड मिसेस माही के दूसरे प्रोड्यूसर ने फिल्म की रिलीज को पुश करने का फैसला लिया है। दरअसल मैदान स्टारिंग अजय देवगन को भी यही स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैदान 11 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है, इसलिए मिस्टर एंड मिसेस माही और मैदान के बीच सिर्फ 9 दिन का गैप था और ये दोनों फिल्म्स के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक सोर्स ने रिवील किया है कि मिस्टर एंड मिसेस माही की बहुत सारी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क अभी भी पेंडिंग है और अब तक किसी तरह की मार्केटिंग कैंपेन भी शुरू नहीं की गई है, इसलिए इस फिल्म की रिलीज डेट को पुश किया जा रहा है। वैसे मेकर्स की तरफ से इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन फिलहाल आना बाकी है।